गहना का गहना जो भी था उसका गहना था। तो गहनी औरत एपिसोड 2 जरूर देखना, पता लगा। क्या आपको जानते हैं? नहीं, मना कर रही है। प्यार से याद आया, प्यार अभी पुलिस इनको भी दिखाएगी, बट थोड़ा सा अलग होगा वो प्यार, वो हरियाणा वाला प्यार। गाइस भालू कुत्ता है क्या? कुत्ता है गाइस, सॉरी। स्वागत है आपका चौधरी न्यूज चैनल के बारे में। क्या कर लिया, क्या वारदात हुई भाई? तो भाई आ गए हैं जिम में और आज हम करेंगे अपने विपुल भाई के साथ वर्कआउट। और विपुल भाई को मैं 1.5 साल से नोटिस कर रहा हूँ, भाई भी अपना लगे रहते हैं ईयरफोन लगा करके, एंड भाई भी बाय प्रोफेशन इंजीनियर है। एंड बहुत बहुत स्वागत है भाई आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। और तो आज हमारा बेसिक वर्कआउट होंगे बाइसेप्स और शोल्डर। तो हम पहले वर्कआउट करेंगे बाइसेप्स के लिए बिकॉज छोटा मसल है, एंड देन हम उसके बाद करेंगे शोल्डर के लिए। तो पहली एक्सरसाइज लेंगे बारबेल कर्ल्स बाइसेप के लिए। तो आज एक ही वार्म अप सेट लिया है, सीधा दूसरा सेट 5 किलो 15-20 रेपिटेशन। थोड़ा हैवी वर्कआउट करेंगे इसलिए मसल पे ज़्यादा लोड नहीं डाल रहे, वार्म अप करते वक्त सीधा मेन वेट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। वार्म अप के बाद एक ही सेट वार्म अप कर लिया, फिर वेट्स की तरफ। वैसे वो काम क्या करते हो? तुम भी इंजीनियर हो, तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद है मतलब। पंद्रह से 16 रेपिटेशन और 5 मैं लगाऊंगा बाद में। बहुत बढ़िया सेल्फ है। चल 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 चल, शाबाश। 4 चल 8 चलो 9 लास्ट चलो 3 और 8 चल 9 10 साइज छोटा नहीं है भाई, मैं छोटी अच्छी है। तुमने माल अच्छा लिया हुआ नहीं ऐसा कुछ नहीं, कॉपी वाला माल है अपनी। तो छोड़ा क्यों? बस मन नहीं गया, ऑफिस करके हो जाता रूटीन। एक तो ऑफिस की टेंशन अलग, और फिर फैमिली के साथ रहेगा। फैमिली के साथ से आप नहीं, हाँ आपको बहुत टाइम निकालना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। आप दुनिया को टाइम नहीं दे पाओगे। आपको अगर बॉडी बनानी है तो उसके लिए पर्टिकुलर आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा। रिश्ते ख़त्म, सब खत्म होएगा वो नहीं, बट आपको अपने लिए टाइम निकालना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि यार मेरे से उठा नहीं जा रहा। भाई तुम पहले टाइम निकाल रहे हो, तुम और वो टाइम दो ही नहीं, कितना दे दोगे? चलो सामने वाले को थोड़ा बट देंगे तो सही, बट ये बॉडी मेंटेन करना बहुत, प्लस पैसा। पैसा भी है ठीक है, आप कम पैसे में भी कर सकते हो, बट आपको कोई आपको पंक्चुअल होना पड़ेगा उस चीज़ के लिए, बहुत तब हो सकता है। चलो 12:30 चलो। थर्ड एक्सरसाइज हमारी प्रीचर कल। तो यहाँ पर हमने अच्छी खासी 2 एक्सरसाइज मेजर निकाल ली है। थर्ड एक्सरसाइज में यहाँ पर अब हम गेम खेलेंगे रेपिटेशंस का, 20-25 रेप्स कम से कम। दूसरा सेट है, 3 सेट लेंगे 5 किलो से 20-22 रेपिटेशन। अब लोड डाला क्यों नहीं, लोड डालते ही यहाँ पर बॉडी भागेगी आगे, थोड़ा एग्जॉस्ट भी हो रहे हैं, इसके बाद लोड खींचेंगे चौथी सेट में। दोबारा हल्का सा रेस्ट वाला सेट होगा हमारा, रेस्ट इन द सेंस मसल को रेस्ट नहीं दे रहे, बॉडी को हल्का सा रेस्ट दे रहे हैं बस। अब हम करेंगे हैमर, और जब उसकी पोजीशनिंग में हम जब ऊपर जाएंगे तो डंबल को ये पोजीशन रखेंगे ठीक है। स्लो दिस हमारे बाइसेप्स की 4 एक्सरसाइज हो चुकी हैं, हम बढ़ रहे हैं अपने शोल्डर सेशन की तरफ। ये था हमारा वार्म अप, इसके बाद बढ़ेंगे अपनी पहली एक्सरसाइज की तरफ।
शोल्डर की फर्स्ट एक्सरसाइज फ्रंट फोल्ड। थोड़ा सा पहले शोल्डर को रेडी कर रहे हैं यहाँ पे 5-5 किलो लेकर, ताकि हैवी लोड के लिए शोल्डर्स रेडी हो जाएं, इंजरी कम आए। उसके बाद पहले वार्म अप, फिर दूसरा मेजर सेट होगा सीधा। तो भाई मेरी उम्र तो मालूम है आपको, 22-23। एक बार ना कमेंट सेक्शन में भाई की एज बता देना। वैसे मुझे पता लगी है, मेरे को झटका लगा है, मैं बहुत अलग लेवल से, मैं तो अपने से 3-4 साल ऊपर सोच रहा था। चलो हिंट और नहीं दे रहा, जिसने कमेंट सेक्शन में सही हाइट बता दी, 1 महीने का प्रोटीन हमारी तरफ से, 1 किलो का प्रोटीन भाई की तरफ से। ना, 1 पीनट बटर का बॉक्स डन। भाई की एज जो परफेक्ट बता देगा, इन इनके जानकार ना बताएं। मेरे जानकार को पता भी क्यों गई ना, मैं कुछ झटका लग गया भाई। उम्र मैं सोच रहा 22-23 या लास्ट 25। जिसने सही एज बता दी उसको प्रोटीन पीनट बटर का बॉक्स मेरी तरफ से। कैमरामैन भी कमेंट कर सकता है क्या भाई? हाँ, नहीं वो नहीं कर सकता, अभी करवाता हूँ। बैक शोल्डर विद रॉड एंड विद स्लो रेपिटेशन, वही 4 सेट लेंगे, 5-5 किलो और फिर 7.5-7.5। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज डंबल साइड रेस, ठीक है, 4 सेट्स लाइट वेट। सो दिस इज आवर लास्ट 4 सेट, ठीक है, और 12.5 के वेट से लेंगे हम। ऐसा ही लेंगे हम फ्रंट रेजेस, 3-4 सेट मेजर वर्किंग सेट रहेंगे चारों, 7.5 से स्टार्ट किए, 7.5, 7.5, 10 और 12.5 किलो। चलो भाई, भालू कुत्ता है क्या? कुत्ता है गाइस, सॉरी। स्वागत है आपका चौधरी न्यूज चैनल में। नहीं, कुत्ता ही है, भालू नहीं है। अरदात की इंफॉर्मेशन निकलवाने की पूरी कोशिश करी और कल बहुत ज्यादा पीटा है दूल्हे ने दुल्हन को, क्योंकि वो सारा का सोरा सोना मार के आ गई थी और दहेज में वो कुछ भी लेके नहीं आई। और आर्टिफिशियल दहेज के साथ सबसे खुशी की बात है शादी संपूर्ण हो गई थी, लेकिन अभी भी फिलहाल जो है पुलिस ने जो हालत करी है, जो मेरी भी करी थी कल, मतलब सेवा मेरे साथ जो हुई थी बहुत अच्छे लेवल पे हुई है, दोनों पार्टी की सेवा हुई है। अभी फिलहाल वो लड़की गायब है जिसने कल गहने चोरी करे थे। हम पता करवाएंगे कि क्या गहने की चोरी के पीछे राज था। बने रहे आप हमारे साथ। काफी लोगों से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये हेलो सुजल भाई, क्या आपको कुछ वारदात के बारे में पता है कल की? इन्होंने 1 पीस पहन रखा है, ये जा रही है पार्टी में आज। चलिए और भी मैं लोगों से पता करने की कोशिश करता हूँ कि क्या यहाँ पर जो वारदात हुई थी, क्योंकि कल पुलिस तो मैं थाने बिल्कुल नहीं। काफी लोग खड़े हैं यहाँ पर, हुडी पहन रखी इन लोगों ने, आओ इनसे पूछते हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, हम लोग कोशिश करेंगे इन लोगों से पूछने की। मुझे काफी मैच्योर और इंटेलिजेंट और पढ़े लिखे लोग लग रहे हैं। एक आधा हार हमारी याद लग जाता, मजा आता। हाँ, ये लोग कल की बात कर रहे हैं, गहने की बात कर रहे हैं कल। तो भाई आप लोग मुझे बताएंगे कल के बारे में कि कल क्या वारदात हुई भाई? जो ज्यादा पता अच्छे से भाई, कल और ना भाई, भाई कल जो वारदात हुई कल भी मैं आया, कल की वारदात के बारे में है। तू ही था, यही था, तू ही अरे मेरे कैमरामैन को तो छोड़ दो भाई, मेरे कैमरामैन को तो लेके कहाँ जा रहे हो भाई? कैमरामैन भाई, काफी इंफॉर्मेशन मिल गई आज के लिए। अगले एपिसोड में बताऊंगा गहनी औरत का क्या रहा। मैंने सुना था आदमी ने काफी मारा उसे, और मैंने एग्जांपल भी देखा, मेरे कैमरामैन को भी वो लोग ले गए, मेरा फोन मेरे बिल्लू ने पकड़ रखा है अभी फिलहाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में भाई, बने रहे मेरे न्यूज़ चैनल पे, चौधरी न्यूज़ चैनल। चैन से सोना है तो जागते रहिए।